नमस्कार बंधुओं, ओम साई राम। मैं सुजय खंडेलवाल, ऑथर ऑफ अ बुक, मैंने एक बुक लिखी है द्वारका माई। सो ऑथर ऑफ द्वारका माई वापस से आपके सामने आया हूँ मिरेकल्स ऑफ साइड चैनल पर, हमारी एक साइड वोटी को लेकर, जो कि आज बैंगलोर से हैं, मिस आरती। सो वेलकम मिस आरती, साई राम। So, आरती जी आज हमारे सामने आए हैं, इनका ब्यूटीफुल मंदिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, उनके राइट साइड में बाबा की मूर्ति है। सो आरती जी, इफ यू कैन पॉइंट आउट ऑन बाबाज मूर्ति, इट विल बी क्लियरली विजिबल टू द व्यूअर्स राइट देयर, एंड इफ यू कैन लिफ्ट हिम अप, बाबाज मूर्ति, या आप उठा सकती हो उसे। वाओ, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, आप देख सकते हैं इन्हें। थैंक यू, थैंक यू, मेरे और मेरे फैमिली को गाइड करते हुए। थैंक यू आरती, प्यार बरसाते हुए मेरे घर में। ऑफ कोर्स, सो आरती जी के इस ब्यूटिफुल मंदिर में के दर्शन भी हमें हुए आरती जी के साथ साथ। थैंक यू आरती जी to be here. So, आरती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको साईं के बारे में कैसे पता चला? आप कैसे साईं के बारे में, आप साईं को जानी कैसे? सबसे पहले सारे साईं बंधुओं को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम, और सुजय जी आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये चैनल पे ले आए और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका मुझे दिया। I will speak in Hindi as far as possible. Yes. जब भी मुझे थोड़ा words का दिक्कत हो तो मैं English में switch over कर देती हूँ। Surely, surely. So to begin with, I think it was in early 2000 that I connected with Sai. It has been 22 years now. Actually, मेरे घर में कोई भी नहीं थे जो Sai को पूछते थे। So there was no way that, I could know about Sai, except that I used to read in newspapers, या कभी भी शिरडी के बारे में पढ़ लिया, कभी भी बाबा के बारे में पढ़ लिया, तो इससे ज्यादा कुछ भी बाबा के बारे में मुझे मालूम नहीं। तो we were married for 5 years, I can say, me and Nagesh, and एक दिन अचानक मेरे सपने में, I think it was in the year 2000, बाबा अभी मैं बुला सकती हूँ, तब तो एक आकृति थी जो सफेद कपड़ा, ऑफ कोर्स नाउ आई कैन कॉल इट द कफनी, तब मुझे पता भी नहीं था। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, शायद 3-4 सेकेंड हो, मेरे सपने में आया। टिल देन आई हैड नो क्लैरिटी अबाउट साई बाबा, पर मुझे इतना याद है कि वो व्हाइट कपड़ा पहन के एक मंदिर के पेमेंट पे चल रहे हैं, एंड उसके ही हैड हंग अ बैग, तो वो आके 3-4 सेकेंड का वो सपना था, वो चला गया। देन आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, देन दैट डे इटसेल्फ इन द न्यूज़पेपर आई सॉ सम कवरेज अबाउट डिवोटी गिविंग सम किरीट टू साई। सो देन देयर वॉज दिस एल्डरली कलीग ऑफ माई हस्बैंड हु वॉज वेरी एल्डरली, एंड ये पूजा पाठ का डिस्कशन मेरा उनके साथ होता था कभी भी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे मुझे सपने में आया, तो ही सेड शायद तुमने साई बाबा को देखा होगा। और उसी शाम को, यू नो माय हस्बैंड इज नॉट वेरी बिग इनटू दिस पूजा पार्ट एंड डजंट बिलीव, आई वुडंट से ही इज एन एथिस्ट, बट ही बिलीव्स दैट वर्क इज वर्शिप। तो उसने क्या किया, वो जो कलीग थे, एक साई बाबा के कैलेंडर को रोल करके उसके ऊपर एक रैपर लगा के, रबर बैंड लगा के मेरे हस्बैंड को दे दिया और बोला ये जाके आरती को दे दो। Then in the evening my husband came and he gave me this calendar. I clearly remember, इतना छोटू सा कैलेंडर, बाबा अपना
ऑरेंज कलर ड्रेस में 2000 ईयर। तो मैंने उधर ही एक ये गम लगा के अपने वार्डरोब के पे चिपका दिया। एंड दैट नाइट आई जस्ट टच्ड हिज फीट एंड वेंट टू स्लीप। अगेन दैट नाइट आई हैड अ ड्रीम। आई एम गोइंग, उन दिनों हम लोग काइनेटिक होंडा चलाते थे, अगर आपको याद है। हाँ जी। अभी वो गाड़ी बंद हो गया है। तो आई एम गोइंग इन द काइनेटिक होंडा एंड मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, खाली वो काइनेटिक होंडा का नंबर प्लेट, विच इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ माई होंडा। एंड बाबा इज सिटिंग मी एंड डूइंग दिस, आई एम बिहाइंड योर बैक। तो सुबह उठी, बहुत अजीब लगा, अरे दूसरी बार। फिर मैंने उन्हीं द एल्डरली कलीग आई कॉल्ड अप, आई सेड रामन फिर से है। तो ही सेड, देखो तुम एक काम करो, दिस इज अ ब्लेसिंग, कितने सालों के डिवोटीज के सपने में वो नहीं आते, तो इट इज अ ब्लेसिंग। तो तुम्हारे घर के पास एक मंदिर है, बाबा मंदिर, यू गो दिस थर्सडे और मैरी बिस्किट लेके जाओ, बाबा का दर्शन लेके तुम वापस आ जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे सुजय जी, इट वॉज ईयर 2000 Y2K, देर वॉज सम मेजर इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड दोस डेज। तो माय हस्बैंड आल्सो वाज एम्प्लॉयड विद अ कंपनी विच वाज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सो देर वॉज सम लिटिल बिट ऑफ सैलरी कट रोल बैक, ये सब था। तो आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड टू द बाबा मंदिर। उन दिनों हम लोग ये नोकिया का मोबाइल फोन पकड़ के चल रहे थे, जो इनकमिंग कॉल्स भी चार्ज था, नो व्हाट्सएप। यस, तो आई हैव नॉट रीच्ड द मंदिर, आई वॉज अबाउट, द मंदिर वॉज अबाउट 10 kilometers फ्रॉम माई हाउस, सो आई हैव नॉट रीच्ड हाफ वे। वही सेम काइनेटिक होंडा पे मैं जा रही थी, तो माय हस्बैंड कॉल्स इन बिटवीन, ही सेज द सैलरी रोल बैक हैज बीन कॉल्ड बैक, द सैलरी हैज बीन कम टू व्हाट इट वाज बिफोर, एंड जो भी अरियर्स था, ये 3-4 महीने का जो कट गया था, वो भी मिलके हमें आता है। सो इवन बिफोर आई स्टेप्ड इनटू हिज मंदिर द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द ब्लेसिंग दैट ही गेव मी। So, in 2000, exactly, I mean, you got connected to Sai. I was getting goosebumps when you said about, you know, spoke about those 3-4 seconds of that, you know, aap jo sapne ke baare mein bata rahi thi, usse mujhe yahan par goosebumps aa rahe the when you were talking about this kafni and everything. Now, mujhe bahut hi, matlab aisa feel ho raha tha as if baba mere saamne ho. I mean, it was like when you were talking about your dream, आप जब अपने सपने के बारे में बोल रही थी, that time I was having goosebumps here, sitting so many kilometers away from you, but मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे बिल्कुल सामने हैं, और जब वो आप कफनी की बात कर रही थी, तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि that I can feel him right in front of me. You know, such great experiences people have, and how you got connected to Sai is something miraculous itself. That's great. So, आपका विश्वास बाबा के ऊपर में कब आया और किस तरीके से आया? I think probably ये तो पहला instance आपका था when you went to the मंदिर and आधे रास्ते में ही आपको you know miracles दिखने लग गए, but actually आपका उनके ऊपर में विश्वास कब आया? सुजय जी, जैसे मैंने बताया, मैंने मंदिर एंटर भी नहीं किया तब, जैसे आप बोल रहे हैं आपको गूसबम्स आया, आप मेरा हाल सोचिए। मैंने सोचा ये क्या, ये बाबा इतना जनरस हो गए, ये एक्चुअली मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, उनसे कुछ पूछा नहीं, यू नो, जस्ट ही अंडरस्टूड व्हाट इज इन माय माइंड। तब मैं वो मंदिर गई और वहां जो यू नो आउटसाइड जो स्टॉल्स पे रहते हैं साई सचरिता, वो एक बुक लाई मैं, और मैंने सोचा ठीक है थर्सडे से पढ़ना शुरू करें। तो तब से मुझे मतलब विश्वास आया, सब कुछ अच्छा होने लगा, मतलब गॉड वॉज वेरी जेनरस फ्रॉम द बिगिनिंग।
there was no reason for me to, until and unless it is some divine intervention, there was no specific reason. मेरे घर में कोई साइन को नहीं जानते थे. So there was some divine intervention that I got connected to him. So there, from then on, मतलब मेरा विश्वास इतना अटल होता गया that you know life throws so many difficulties to you. It's not that anybody is there. तो जब भी difficulties आते थे, I used to never ask Baba anything. I used to tell him, see, this is what I'm facing. It is up to you to take me in the right path. तो जितना जोर से difficulties आता था, पानी की तरह वो गल जाता था एकदम से. Whenever I would pray to Baba. तो जैसे दिन बढ़ते गए, मेरा विश्वास भी बढ़ता गया. And Sai kept on showing me that he is always guarding his devotees. मुझे देख के बहुत सारे लोग, मेरे relatives में, मेरे friends में Sai पे विश्वास करने लगे. सबके साथ अच्छा हुआ है. That's something which is, you know, very common. कि बाबा जिस तरीके से हमें, you know, bless करते हैं, जैसे वो miracles दिखाते हैं ना, तो एक मतलब एक आम इंसान को डिवोटी बनने में टाइम नहीं लगता. बाबा पर विश्वास इतनी जल्दी आ जाता है कि मैं अपना ही अगर बताऊं तो लगभग 2000 साल के आसपास की ही बात होगी. सब 99 2000 जब मेरी भी शादी हुई थी एंड माय वाइफ टुक मी टू द साई बाबा मंदिर. आई वाज अमेज्ड टू सी एट दैट मंदिर कि वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी फोटोज थी. एंड उसके बाद जब मैंने देखा श्रद्धा एंड सबूरी एंड बाद में मैंने सुना सबका मालिक एक, तो मेरा विश्वास वहीं से आया कि यही शायद एक ऐसा ऐसी जगह है जहां पर कोई जात पात धर्म या किसी के ऊपर में भी कोई अलग इंसान को नहीं देखा जाता. यहाँ हर इंसान एक बराबर है. तभी से मैं भी आकर्षित हुआ था साई की तरफ में. धीरे धीरे मेरा भी विश्वास आने लगा था और अब तो 2018 के बाद तो इतने मिरेकल्स हुए कि ये आपके सामने चैनल ही मैंने शुरू कर दिया. इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि मुझे भी ऐसा ही हुआ था. एक दिन रात को सपने में ऐसा, मैं बहुत असमंजस में था कि मैं साई बाबा का, यू नो, मैं किस प्रकार लोगों को बताऊं अबाउट द मिरेकल्स ऑफ साई जो मेरी जिंदगी में रोज घटते जा रहे हैं. एंड बाबा मेरे सपने में आए एंड मुझे, यू नो, उसी दिन मैंने एक मेरे साई करके जो सीरियल आता है सोनी लिव चैनल में उसमें, एंड अगले दिन थर्सडे था और थर्सडे को मैं महापारायण का 2 चैप्टर का रीडिंग होता है एंड उसमें दासगनु महाराज का वो, यू नो, प्रसंग आ गया जिसके अंदर में कि दासगनु को बाबा कह रहे हैं कि तुम लिखो ये साई सच्चरिता. एंड तब जब रात का इंस्टेंस और सुबह का मिलाकर हुआ तब मैंने कहा कि चलो अब बाबा का आदेश आया है, लगता है वो चाहते हैं कि मैं ये शुरू करूं. और तब से ये मिरेकल्स ऑफ साई का चैनल, जो कि अभी कुछ 11-12 वीडियोज ही हुए हैं, हमने कुछ डिवोटीज ही जुड़े हैं हमारे साथ और बहुत सारे और डिवोटीज जुड़ेंगे हमारे साथ. सो सच इज द blessings of Sai Baba. Thank you, Aarti, once again for sharing such nice, blissful, feelings. And I'm getting such a great vibe seeing your mandir at the back, such a beautiful mandir. And of course, you are, equally beautiful like Baba. अगर आप कुछ miracles के बारे में बताना चाहें devotees को जो आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया. वैसे तो मैं सच बताऊं तो कोई ऐसा दिन जाता ही नहीं है जब मुझे उनकी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स के बारे में एहसास होता नहीं है. बट बड़े बड़े जो इंस्टेंसेस होते हैं वो हम हमेशा याद रखते हैं अपनी लाइफ के. तो कुछ उनमें से ही अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो इट बी वेरी नाइस ऑफ यू. आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सुजय जी 2 life-changing एपिसोड्स. मैंने बोला कि मेरे फैमिली में कोई नहीं थे जो बाबा के बारे में जानते थे. माय हस्बैंड सैट इन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट पोजीशन, सो ही वाज टूरिंग द वर्ल्ड ऑलवेज. 15-20 दिन वो इंडिया में नहीं रहते.
तो एक बार ऐसा हुआ कि ये इंसिडेंट होने के बाद वो फॉरेन टूर पे चले गए. मेरा बच्चा, माय सन वाज वेरी यंग, 3-4 इयर्स यंग. तो मेरे चाची मौसी जो बैंगलोर में रहते थे, वो लोग मुझे अकेले बच्चे के साथ नहीं छोड़ते. तो ऐसे ही मैं बच्चे को उठा के मेरी मासी के यहाँ चली गई. तो उस दिन मेरी मासी और अंकल ने हमें वो कब्बन पर बच्चे को ट्रेन, जॉइंट ट्रेन राइड कराने के लिए ले गए. तो हम बैठे थे, मकई का के बैठे थे. तो मैंने अंकल को बोला, ऐसे एक दो बार आया, मैं अंकल से गुजराती, तो अंकल अशोक अंकल है उनका नाम. तो मैंने उनको बोला, अंकल ऐसे मेरे सपने में 2-3 बार आया. तो वो लोग, वो थोड़ा शिरडी के बारे में जानते थे. तो अंकल ने मुझे बोला, आरती ये जरूर बुलावा आया है बाबा से, सबके सपने में वो नहीं आते, तो यू मेक अ ट्रिप टू शिरडी. देन आई केम बैक फ्रॉम देयर हाउस, माय हस्बैंड रिटर्न फ्रॉम हिज टूर अब्रॉड. तो मैंने बोला उनको, हम शिरडी चलेंगे, आप मुझे लेके जाओ. He never discourages me or never disagrees to take me anywhere. तो उन दिनों वो बैंगलोर से केके एक्सप्रेस जाता था दिल्ली. तो बीच में we had to get down in Kopargaon and take the जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो to reach there. I'm talking about 2000. हाँ, पहले तो जब बाबा के टाइम पे था तब तो कोपरगांव से टांगा में जाना पड़ता था. करेक्ट. रिक्शा हो सकता है, अब ऑटोमेशन हो गया तो हमने, हमें ऑटो व्हीकल्स मिलते हैं. राइट. दोस डेज वी वर आल्सो न्यूली मैरिड, अपकमिंग फैमिली, तो फ्लाइट में जाने का अफोर्डेबिलिटी नहीं थे, तो वी हैड टू डिपेंड ऑन द ट्रेन. तो शाम को माय हस्बैंड आके बोला, देखो केके एक्सप्रेस में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है. तो उन दिनों हमारे पास वो क्वालिस गाड़ी था. तो मैंने बोला, चलो गोवा में एक दिन रुक के, बेलगांव में एक दिन रुक के हम शिरडी पहुंच जाएंगे, आप मुझे कार में ले चलो. तो वो हंस के जोक मारा मुझे कि हम बैंगलोर से शिरडी जाते जाते तुम भी अपने बाबा की तरफ बैठ जाओगे कार. तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन, हंस हंस के उसने बोला. और मुझे बहुत इतना रोना आया कि ये क्या कर रहे हो बाबा, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, ये तो सीरियसली नहीं ले रहा. तो फिर मैं शाम को देखती हूँ वो टिकट पकड़ के आया केके एक्सप्रेस. वाओ. कुछ इन्फ्लुएंस ये सब यूज करके उसी हफ्ते, उन दिनों नहीं मिल रहे थे टिकट, रिजर्वेशन नहीं मिल रहे थे. तो कुछ इन्फ्लुएंस यूज करके उन्होंने रिजर्वेशन करा के मुझे, मेरे बच्चे और उनका रिजर्वेशन, 3 टिकट वो लेके आए. वी हैव टू लीव ऑन फ्राइडे नाइट. थर्सडे मॉर्निंग से मेरे बच्चे को इतना हाई फीवर एंड वॉमिटिंग शुरू हो गया. आई कांट टेल यू सुजय जी, ही इज रनिंग 101-102 टेम्परेचर, एक बूंद पानी नहीं जा रहा है. ओह गॉड. तो आई हैव टू लीव टू शिरडी, 4 साल का बच्चा है. देन आई सेड, ये क्या हो गया करके मैं अपने डॉक्टर के पास भाग. तो रोते रोते मैंने बताया, बहुत मुश्किल से हम लोग शिरडी जाने के लिए सोच रहे थे. एंड देन दिस इज हैपेंड. शी सेड, सी आई एम अ डॉक्टर, आई एम नो मैजिशियन, बट ऑल आई कैन टेल यू इज तू बच्चे को लेके जा, उल्टी तो ऐसे नहीं रुकेगा, बुखार तो ऐसे नहीं उतरेगा. तो शी सेड, यू गो, पापा इज देयर, ही विल गाइड यू, यू गो. तो मैं वो बुखार बच्चे को लेके चढ़ गई कैसे भी ट्रेन. एक, ही इज नॉट एबल टू टेक इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर. तो ऐसे ही वो उसको पैरासीटामोल दे के ये सब करके मैं शिरडी पहुंच गई. आप यकीन नहीं मानोगे सुजय जी, वी चेक्ड इन टू द होटल, बच्चा बोलता है मुझे उपमा खाना है. फिर मैंने वेटर को बुलाया, रिक्वेस्ट किया, आप ऐसा बना वो अपने शीरा की जगह थोड़ा पेपर जीरा डाल के मेरे बच्चे के लिए दही के साथ लेके आ. मैंने कुछ दवाई नहीं दिया, फीवर नहीं है, वॉमिटिंग बंद, शिरडी जाते वहां का पानी पीते. आप क्या बताओगे? आई हैव नो एक्सप्लेनिंग. ये बाबा के चमत्कार ऐसे ही है. मुझे इससे याद आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ 7-8 साल या 10 साल के पहले की बात है.
मेरी वाइफ जिसने मुझे साईं के साथ में कनेक्ट किया, हाँ, उसे ऐसा कुछ हो गया था, मतलब उसके पेट में ऐसा इन्फेक्शन हो गया था दैट मुझे उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. एंड शी वाज देयर इन द हॉस्पिटल. एंड नेक्स्ट डे हमारा यूएस का या ग्रीस का, मुझे याद नहीं है, ग्रीस या यूएस का कहीं की फ्लाइट थी. एंड जब उसको हॉस्पिटलाइज कराया, मैंने फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराने के लिए एजेंट को बोल दिया. एंड आप बिलीव नहीं करेंगी, उसकी ऐसी कंडीशन थी और वो अगले दिन सुबह घर पर वापस आ गई. एंड उसको कुछ एक दो इंजेक्शन ऐसे लगाए, शी वॉज फिट एंड फाइन, बट यू नो आई मीन इतना कुछ हो गया था. एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमने टिकट कैंसिल कराई थी, अगले दिन की वापस टिकट करा के एंड वो इंजेक्शन साथ में एक फॉइल लेके हम यू नो निकल गए. ग्रीस था या यूएस था मुझे याद नहीं आ रहा पक्का, बट हम वहां के लिए निकल गए. वो एक हॉस्पिटल से निकलकर और एक ट्रैवल के ट्रिप में उसका मन इतना खराब था. एंड वो हॉस्पिटल में बैठ के सिर्फ ये सोच रही थी, इतने दिन से प्लान किया हुआ ट्रिप हफ्ते 10 रोज का, एंड वो भी अब्रॉड का, और वो कैंसिल हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई बोल के. एंड बाबा का चमत्कार देख के अगले दिन उसने एक दिन का डिले करके ट्रिप को वापस से चला दिया. एंड वी कुड एंजॉय द ट्रिप. सच इज यू नो द मिरेकल्स ऑफ बाबा. So that's मेरा एक और लाइफ चेंजिंग एपिसोड है. मैं मतलब अपने बेटे के बाद 11 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई, तो इट वाज वेरी वेलकम, गॉड वाज वेरी जेनरस. तो मुझे हमेशा से यही था कि मुझे एक लड़की चाहिए, यू नो द क्रेविंग फॉर अ गर्ल चाइल्ड वाज ऑलवेज देयर. तो इतने सालों बाद में प्रेग्नेंट हुई, इट वाज कंसीडर्ड एज अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन. तो पहले दिन से डिलीवरी तक आई वाज ऑन द बेड, इंजेक्शंस लेना एक, तब भी पूरा मैंने बाबा का और स्वामी दत्तात्रेय का ही, यू नो आई वाज जस्ट प्रेइंग प्रेइंग एंड प्रेइंग. उसके बाद डिलीवरी के बाद लो बर्थ वेट चाइल्ड भी पैदा हुआ. She was just 1.7 kgs at birth. तब भी मेरा विश्वास नहीं टूटा. The child was very normal. तब भी मेरा विश्वास नहीं टूटा. I was only praying to God. You know, by then we had what would I say, miraculously improved in life. And you know, everything God was very generous. इतना सारा मतलब हमने इमेजिन भी नहीं किया था. इतना अच्छा से हम रह रहे थे, बड़ा बंगलो, गाड़िया, स्टैप सब दिया हुआ था भगवान का. तो मुझे एक लड़की की बहुत इच्छा. तो ये बर्थ वेट लो बच्चा पैदा हो गया. तो शी वॉज वेरी नॉर्मल. आई टुक हर टू माई पीडियाट्रिशियन. शी सेड द बेबी इज वेरी नॉर्मल, आई डोंट सी एनी इश्यू. But only thing, 5-6 months you have to be very careful that she should not catch any infection because of the way. उसके बाद वो ठीक हो जाए. तो घर में कोई भी relatives आते थे, ये बोलने लगा कि ये बच्चा थोड़ा you know unhealthy पैदा हुई है. All such rumors started spreading. So it was very hurting as a mother to me. But my parents and husband stood like a rock with me during that time. Actually, ये लगता है मुझे कि एकदम जब आपके घर में girl child हो, the concentration will be on the child naturally. आपके लड़की हो तो आप उसके लिए concentrate करोगे. जब वो बड़ी हो जाएगी उसके लिए गहना बना हो, ये बना हो, you know the total environment changes. तो शायद वो digest नहीं हुआ लोगों में. ये शायद हमको देना बंद कर देंगे, हमारा गिफ्ट आना बंद हो जाएगा, यू नो द टिपिकल लो मेंटालिटी थिंकिंग. तो ये शुरू हुआ कि ये अबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ. लोग यहाँ तक आके बोलने लगे मुझे कि कोई गारंटी नहीं, जब तक ये बच्चा चलेगा कुछ पता नहीं. आई हैव हर्ड दिस. टुडे माई डॉटर इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल. She is a karate expert. She is a classical dancer. She is a model. She is a cricketer. ये बाबा की कृपा नहीं है तो और क्या है. Wow.
is the most beautiful girl in the family today. Sai Baba's blessings are there with the devotees who believe in him. And that is the biggest truth, is that if we believe in Sai, Sai keeps on blessing us in innumerous ways. His devotees, he never puts them the एक जो हमारे कर्म है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा. कर्म हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के भी जो कर्म है उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा. बट बाबा किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसे मिरेकल्स करते हैं कि हम कम में निकल जाते हैं. हम बड़ी विपत्ति को कम में झेल कर निकल पाते हैं और जीवन में सुख, और सुख से मतलब मेरा भौतिक सुख से नहीं है. हाँ, भौतिक सुख भी अधिकतर लोगों को मिलता है, बट जो मानसिक हृदय में जो सुख आनंद जो मिलता है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से. तो आरती जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट करके, आपकी स्टोरीज को सुनकर. क्यों तो आप अगर और कुछ दर्शकों को बोलना चाहें बाबा के बारे में या आपके बारे में. एंड हाँ, आपकी बिटिया के टैलेंट्स को सुनकर बहुत अच्छा लगा. एंड बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा उन पर बनी रहे. शुक्रिया सुजय जी. और मैं एक और इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी जो आई एम श्योर विल गिव यू गूज़बम्प्स अगेन. तो वी वर अब्रॉड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न. तो हम लोग बहरेन में थे, हम लोग सिंगापुर में थे. एंड 2018 बिकॉज माई फादर इन लॉ वाज एजिंग, he made a decision to come back to India because Nagesh was the only son. So we wanted to be with him during in his last days. So we came back to India. And out of choice, we chose to live out of Bangalore in a gated community, which is a semi-urban living. Matlab ye Bangalore city se 20-25 kilometer dur hai hamare ghar. So we wanted to be away from the hustle and bustle, and we chose to live in a gated community. तो मैं इधर आई और मैंने सोचा, अरे बाबा, सिटी से हम लोग इतने दूर है. तो मैं हर गुरुवार बाबा मंदिर दर्शन, मेरा आदत पड़ गया था तब तक. तो मैं कैसे करूंगी, ये क्या हो गया अभी, क्या. पर तब भी मुझे यकीन था, यू नो दैट बाबा विल शो सम वे. एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर एक कुग्राम है. It is a very small village, not developed. वो एक गांव में, उसका नाम है तोकर तिम्मना दोटी, किसी ने नहीं सुना होगा. वो गांव में one couple in the farmhouse have made a बाबा मंदिर. इतना बड़ा मंदिर दे है हमने. तो मैं एकदम से खुश हो गई सुन के. और वहां मंदिर में गई तो बहुत गरीब लोगों को मैंने देखा. मैंने सोचा, हाँ अभी मैं प्रसाद बना के लाऊंगी भी तो भूखे लोगों को ही वो जाएगा. इट विल गो टू द पुअर, व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट बीइंग अ बाबा डिवोटी. तो मैं साइलेंटली आई वेंट इनसाइड, आई सैट इन द मंदिर, आई जस्ट कनेक्टेड विद बाबा. आई गॉट अप एंड देन आई सी वन आंटी स्माइलिंग एट मी. देन आई सेड नमस्ते. She said, Namaste, this is our temple, this is our house, and this is our farmhouse. Hum city mein rehte hain, par yahan humne mandir banaya. So I was very happy. Wo boli, aati, pata nahi, tum kahan rehti ho? Aaj tak to maine dekha nahi. Maine bola, aunty, haan, main India aake ek mahina hua hai. And I live in Concord, Napa Valley. Achha, udhar rehti ho, wahan se bahut log aate hain, par aaj hi main tumhe dekha. हाँ आंटी, आज ही मैं पहली बार आई. तो उसको मैंने अम्मा बोलना शुरू किया, जो कन्नड़ा में माँ है ऑब्वियसली. तो आई डोंट नो, वी कनेक्टेड वेरी वेल. एंड देन अम्मा टुक मी इनसाइड हर हाउस, चाय नाश्ता दिया. मैंने थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया और मैं घर आ गई. देन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आई वेंट देयर अगेन. अप्पा जी, मतलब
पिताजी जो अम्मा के हस्बैंड थे वो थे, जो ओनर थे, तो अम्मा ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। तो अपा जी ने मंदिर के आसपास सब जगह मुझे लेके गए और बोला कैसे ये मंदिर आया। और उसने बोला बिटिया तुम क्या काम करती हो? मैंने बोला अपा जी मैं वैसा तो कुछ काम करती नहीं हूँ, बट आई एम अ राइटर बाय पैशन। तो अभी तक मेरा 4-5 बुक पब्लिश हुआ है। वो ऐसे ही बैठ गए और वो बोले यू नो कल मैंने बाबा को बोला ये जगत का स्थल महात्म्य जो है मुझे लिखना है, मेरे पास कोई राइटर भेज दो, और आज तुम आई हो। अब अभी मैं क्या बोलूं सुजय जी? और मैंने बोला अपा जी ठीक है, आपको जब भी टाइम है आप बोलिए, मैं रिकॉर्डर लेके आऊंगी, मैं लिखूंगी। तो ऐसा सब एक्सपीरियंसेस मुझे हुआ। आरती जी ऐसा ही एक्सपीरियंसेस मुझे भी होते हैं, मैं सोचता हूँ और अगली ही पल कुछ ना कुछ वो घट जाता है। मैं सोचता हूँ, मैं मुझे मांगने की जरूरत नहीं होती, मैं किसी बारे में सोचता हूँ। हाँ मुझे डर तो आजकल लगता ही नहीं है, हाँ विचलित मैं होता नहीं हूँ कि ये नहीं हो सकता कोई भी चीज, बट मैं सोचता हूँ और मैं मांगे बिना बाबा अपने आप उसको घटित कर देते हैं। ऐसे ही वो अप्पा जी ने रात को सोचा एंड अगले ही दिन आप वहां पहुंच गए। और ये देखिए बाबा का सबसे प्रिय, बाबा तो भिक्षा लेते थे एंड भिक्षा लेकर दान में सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो अन्न दान को मानते थे। एंड आप 25 किलोमीटर दूर सिटी से रहकर भी आपको उन्हें अन्नदान प्रसाद भोग लगाने का अवसर दिया, ये बाबा की कृपा है। ऐसी ही कृपा बाबा बरसाते रहते हैं डिवोटीज के ऊपर में। थैंक यू आरती जी फॉर शेयरिंग सच लवली एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। अगर आप बाबा के या भक्तों को बाबा के बारे में कुछ बोलना चाहें तो प्लीज बताइए। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी सुजय जी, कष्ट तो हर इंसान को आता है, लेकिन आप बाबा पे यकीन रखोगे, बाबा के मानोगे, बाबा पे विश्वास रखोगे, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ही इज लाइक अ पेरेंट टू यू। कष्ट तो आपको देगा और उसे सुलझाने का सभी मार्ग वो खुल देगा। तो इवन ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स यू शुड नॉट लीव योर बिलीफ इन बाबा, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो I would say, if you are a Baba Bhakt, it is some divine intervention that you have become a Baba Bhakt. ऐसे ही सब नहीं होता है। तो it is some अच्छा करम that Baba has chosen you to become his Bhakt. So that way, first thing is you should consider yourself lucky that he has chosen you. क्यों सभी ऐरे गैरे नहीं होते हैं बाबा के पास? Why are we chosen? आप एक मिनट बैठ के वो सोचो। तो that is the first thing. You are very lucky because you are his birth. तो he never claims that he is God. He is guru. तो मैं भी हर दिन बाबा की पूजा करती हूँ और हर मिनट मेरे मन में सदा निम्ब वृक्षस्य मूला दिवासत सुदास्रामिनम तिक्तम अप्यप्रियंतम तरुण कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम, ये बोलती रहती हूँ मैं पूरा दिन। तो आप बाबा के विश्वास अटल रखो और आपका जीवन कैसे बदलेगा आपको, इतना ही मैं बोलती हूँ। और बाबा कभी भी हमें नहीं बोला है आप उपवास करो, आप वनवास करो, कुछ भी नहीं। मैं नाश्ता खा के दिया चलाती हूँ, उनका तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो आप बाबा पे यकीन रखो, बाबा को पूजा करो, इट इज वेरी इजी। आप भक्ति से एक फूल रखो उसके पैरों में तो वो खुश। तो थैंक यू आरती जी, मुझे भी याद पड़ा आप जो पीछे में बोल रही थी कि आप
Sai Baba and Lord Dattatrey का नाम जप रही थी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दत्तात्रेय महाराज जो हैं वो साईं बाबा के गुरु थे। उन लोग जैसे कि मैं साईं बाबा को अपना गुरु मानता हूँ, लोग उन्हें भगवान मानते हैं, बट मैं उन्हें मेरा गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, वो मुझे सही कर्म करने की का मार्ग दिखाते हैं और शक्ति देते हैं कि मैं वो सही कर्म कर सकूं। और जैसे कि आरती जी कह रही थी कि आप अगर बाबा के भक्त हैं तो आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि बाबा को जानते हुए भी उनकी भक्ति नहीं कर पाते। लोग शिरडी जाने की सोचते हैं पर वो शिरडी में कदम नहीं रख पाते, और अगर बाबा ने बुला लिया तो आप किसी भी तरीके से वहां पर पहुंच कर ही रहेंगे। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा, उनके चमत्कार, उनकी दया, उनकी कृपा ना सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि इस प्रकृति पर, जीवों पर, जानवरों पर, हर एक के ऊपर में थी। और मैं बाबा के बारे में पढ़ता आ रहा हूं और पहली बार आज आरती जी के साथ में मैं कनेक्ट हुआ हूं, उनकी स्टोरी सुनी है, उनको देखा भी आज मैंने पहली बार आरती जी को। और यही तो बाबा का चमत्कार है कि हम डिवोटीज को एक साथ में जोड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंसेस को जान पा रहे हैं। एंड बाबा का जैसे कि ये मंत्रोच्चारण करती है, वैसे मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो मैं नमो साईनाथम, नमो साईनाथम, रात को सोते वक्त भी नमो साईनाथम करते, ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसकी कि मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। एंड हाँ, कष्ट तो जीवन में हर एक के ऊपर और नीचे आते ही हैं, और कष्ट नहीं होंगे तो जब अंधेरा नहीं होगा तो उजाला कैसे पता चलेगा। उसी तरह के जब कष्ट नहीं होंगे तो हमें अच्छे का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा जानकर कि आरती जी एक लेखक हैं। तो आरती जी, मुझे अगर मौका मिला तो आपके साथ में मिलकर मैं बाबा के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। मेरी एक बुक ऑलरेडी पब्लिश हुई है, द्वारका माई, और अगली बुक जिसके बारे में दो दिन पहले ही बाबा ने मुझे कहा कि एक बुक अगली लिखो जिसमें कि मिरेकल्स के ऊपर में हो, तुम अपने मिरेकल्स के बारे में और बाकी डिवोटीज के मिरेकल्स के बारे में उसको कंपाइल करके और उसकी वॉल्यूम्स में निकालो उस बुक को। मैं ऑलरेडी मेरे दिमाग में है एंड आपके साथ मैं कनेक्ट करूंगा टू कंपाइल दिस बुक टुगेदर, अगर आपकी इच्छा रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हर बृहस्पतिवार मैं आपके सामने एक डिवोटी के साथ या अपने एक्सपीरियंसेस के साथ या बाबा की कुछ लीलाओं के बारे में आपको बताने के लिए आता रहूंगा। अगर आपने ये मिरेकल्स ऑफ साई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, हमारे पेजेस हैं मिरेकल्स ऑफ साई, यहाँ पर डेली कोट्स भेजे जाते हैं। अगर आपने आपकी इच्छा हो तो आप वहां पर भी सब्सक्राइब करें, और मेरे पर्सनल हैंडल्स पे आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। सो धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई, धन्यवाद, आपने मुझे बात करने का मौका दिया ये चैनल पे और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। जरूर हम साथ में काम करेंगे, वी विल ब्रिंग आउट दिस वॉल्यूम्स, साई की कृपा है। नमस्ते नमस्ते, ओम साई राम, ओम साई राम।